Redmi Note 4 के लिए ऑफिशियल नेजुकू OS ROM का जो है लेटेस्ट अपडेट आ गया है 1.4 का। फर्स्ट बिल्ड इसका आया था पिछला वाला ही, जो कि 1.3 से स्टार्ट हुआ था इसका फर्स्ट ऑफिशियल बिल्ड। ये सेकंड बिल्ड है और ये इस बार आया है वनीला के साथ, GApps इंक्लूडेड वाला नहीं आया है। पिछली बार GApps इंक्लूडेड के साथ आया था और इस बार जो है मेंटेनर भी चेंज है, साथ साथ इस बार जो है काफ़ी सारे फीचर रिमूव हो गए हैं, पूरा इंटरफेस जो है रोम का चेंज हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट रिव्यू के बारे में, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डेवलपर्स की तरफ से कि नेक्स्ट अपडेट में वापस से आपको जो है सभी के सभी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे 1.5 के अंदर। लेकिन इसके अंदर हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बैटरी बैकअप के बारे में भी। और अगर आप पिछला वाला नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना, उसमें कैसा इंटरफेस था आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी यहाँ पे इसका जो है मैं कंप्लीट यूआई का आपको कंप्लीट मतलब फीचर्स का रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर रिमूव भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे अबाउट फोन ही देखोगे तो पहले से अलग बिल्कुल इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाएगा, साथ साथ नेजुकू वर्जन 1.4 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो दिया गया है, हम एंड्रॉइड वर्जन पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सिक्योरिटी पैच 5 जून 2021 का मिल जाता है, और कर्नल यहाँ पे स्लीपी कर्नल मिलता है। पिछले अपडेट में फॉक्स कर्नल था, हालांकि ये इन्फोर्सिंग बिल्ड है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ, तो स्टेटस बार का यहाँ पे तो आपका इंटरफेस सिमिलर मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइल्स पे चलोगे तो काफ़ी सारे टाइल्स रिमूव हो चुके हैं यहाँ से, जो कि FPS इन्फो का भी था यहाँ पे जो रिमूव हुआ पड़ा है, और ऑक्सीनोस का स्क्रीन रिकॉर्डर भी था, और भी काफ़ी कुछ थे पहले, काफ़ी सारे थे जो कि अभी फिलहाल काफ़ी कम हो चुके हैं। न्यू तो नहीं देखने को मिलता लेकिन रिमूव ज़रूर हुआ है। अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स तो फिलहाल आपको सेम मिल जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। लैग काफ़ी कम है, ज़्यादा लैग यहाँ पे नहीं मिलता, आप देख सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है लैग ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, ये बिल्कुल पहले की तरह है। वॉल्यूम पैनल का भी थोड़ा सा यूआई ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने मिल रहा है, लेकिन हालांकि एक्सटेंड ये बाकी जैसे कुछ है वो एसपी रोम आप देखने को मिलते हैं उसी तरीके से एक्सटेंड होता ही है, लेकिन यूआई ऐसे देखने में लगता है कि एक्सटेंड यहाँ से होगा। बाकी आपका जो रिस्टार्ट के अंदर मिलता है एडवांस रिस्टार्ट, ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और पिछले अपडेट में भी जैसा कि बताया था कि ऐप ओपनिंग में जो है यहाँ पे हल्का कुछ कुछ एप्लीकेशन में लैग है, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ एप्लीकेशन पे आपको लैग देखने को मिलेगा। रिसेंट भी ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन रहता है तो लैग है। क्लियर ऑल अब नीचे मिल जाता है, पहले यहाँ पर सेलेक्ट था, और स्क्रीनशॉट तो पहले था ही यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं मिलता। अगर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तब आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, और पहले लास्ट में क्लियर ऑल था लेकिन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और वहीं कैमरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गूगल जो कि कैमरा गो मिलता है, बाकी आप जीकैम यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बस स्लो मोशन को छोड़ के। और जैसा कि यहाँ पे एडवांस कंट्रोल ये पहले भी देखने को मिल जाता था और अभी भी है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। FM आपका मिल जाता है, और यहाँ पे पहले हमें म्यूज़िक प्लेयर भी देखने को मिलता था जो कि नहीं अभी। और यहाँ पे लॉन्च आपका जो प्ले स्टोर है ये फिलहाल आपको सर्टिफाइड मिल जाता है, पिछले अपडेट में भी सर्टिफाइड था, तो ये आपका सेफ्टी नेट जो है बिल्कुल पास मिल जाता है यहाँ पे भी। और लॉन्चर देखोगे तो पिछला GApps इंक्लूडेड था तो पिक्सल लॉन्चर था, लेकिन यहाँ पे आपको ये लॉन्चर मिल जाता है जिनको OS का, जिसमें आपका हिडन प्रोटेक्टेड एंड ऐप भी दिया गया, तो आप यहाँ से भी ऐप लोग लगा पाओगे। और वहीं अगर हम कॉलिंग की तरफ चलते हैं तो कॉलिंग के अंदर आपका यहाँ पे जैसे कि पिछले में फ़ोन डायलर जो कि यहाँ पे गूगल का था लेकिन इस बार ESP वाला है, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी सेटिंग में मिल जाता है। बाकी वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही वर्किंग मिल जाता है। और सेटिंग के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी आपका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज आपको मिलने वाला है पिछले अपडेट के मुकाबले। हालांकि आपका कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ टाइमआउट मिल जाता है, कास्ट आपका काम कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बैटरी में चलते हैं तो बैटरी का भी इंटरफेस पहले से अलग है बिल्कुल, बाकी सेटिंग्स आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाती है जिसमें टेम्परेचर चेंज करने के लिए दिया गया है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 आवर जैसे कि मैं नॉर्मल ब्राइटनेस पे यूज़ किया हूँ, 2 आवर यूट्यूब और 2 आवर MX प्लेयर पे, तो 60% बैटरी देखने को मिली है, जो और पिछले वाले में भी इसी के करीब थे। तो बैटरी बैकअप उसे सिमिलर देखने को मिल रहा है पिछले और इस अपडेट में। और यहाँ पर निजुको एक्स्ट्रा चलोगे तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन कम आपको मिलने वाले, पहले ऑक्सीजन जैसे कोरबस हो गए या फिर नुसांतरा में कस्टमाइजेशन देखने को मिलता उस स्टाइल में मिलता था, लेकिन अभी कुछ इस तरीके से थीमर मिल जाता है जिसमें टाइल्स आप स्टाइल चेंज कर पाओगे, टाइल का एसेंट मिल जाता है, थीम ओवरले मिल जाता है, यहाँ पे सिस्टम यही आइकन आप कैसा रखना चाहते हो वो चेंज कर पाओगे। तो पहले से बिल्कुल अलग और काफ़ी कम कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जैसे कि बताया गया है नेक्स्ट अपडेट में जो है ऐड किया जाएगा। बाकी एडवांस रिस्टार्ट यहाँ पे मिल जाता है पावर मेन्यू में, और एक्स्ट्रा आप ऐड कर पाओगे। क्विक सेटिंग में कॉलम रॉ सेटिंग मिलता है, बाकी डाटा यूजर्स का मिल जाता है, और डाटा यूजर्स जो है काम करता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है देखने को मिल जाता है, ये वर्किंग है।
और लॉक स्क्रीन के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका प्लेबैक कंट्रोल हो गया, बाकी लॉक स्क्रीन, डबल टैप स्लीप हो गया, सारी चीज़ें मिसलेनियस में स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, वॉल्यूम स्टेप मिलेगा, और स्टेटस बार के अंदर आपका डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, किल ऐप और वोल्टी आइकन्स आपको यहाँ पे देखने को सभी मिल जाएंगे। तो वोल्टी आइकन आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो अभी फिलहाल इतनी ही कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे आपका डार्क थीम मिल देखने को मिल जाएगा, नाइट लाइट दिया गया है, और नीचे स्टाइल एंड वॉल पेपर्स है जिसमें आपका जो स्टाइल है एक मिल जाता है, ग्रिड मिल जाता है, क्लॉक स्टाइल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेफ शिफ्ट स्टाइल तक जो है आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल जो है देखने को मिलता है, और वॉलपेपर आपका ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे नजोको का ही देखने को मिल जाता है, ये है जो कि डिफ़ॉल्ट मिलता है। और नीचे आपका लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन, ऑलवेज शो टाइम इन इन्फो जो कि देखने को मिल जाएगा, डबल टैप टू बैक है, ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे वही एसेंट फॉन्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और साउंड के अंदर भी आपका सिमिलर ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट फीचर, एक ही चीज़ है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, जो है आपका एम्पलीफिकेशन तो मिलता है लेकिन MI साउंड एनहांसर यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि इसे टेस्ट किया तो जो है काम नहीं करता, लेकिन ये पहले हमें बाहर मिलता था लेकिन अभी जो है यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक और ऐप लॉक भी मिल जाता है यहाँ पे भी। तो फिंगरप्रिंट के अंदर आपका पैटर्न साइज आप देखोगे तो नहीं मिलता। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स जो है आपको ज़रूर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इसके अंदर दिक्कत नहीं है। और फेस अनलॉक अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके जो है रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है फेस अनलॉक में। और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स जो है हमारी यहाँ पे ये कुछ तीन ऑप्शन मिल जाएगा, और फेस अनलॉक सेटिंग्स भी अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके जो है ये हमारी मिल जाती है यहाँ पे। और ऐप लॉकर के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट है यहाँ पे, लॉक ऐप आफ्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और नीचे हमें मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन जिसके अंदर जेस्चर दिया गया है, जिसमें सिस्टम नेविगेशन है। हालांकि ये जो है काम नहीं कर रहा था, आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर जो है ये काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल, तो यही सिर्फ ऑप्शन दिया गया अभी काम नहीं करता। रिंगिंग मिल जाता है, पावर मेन्यू दिया गया यहाँ पे, बाहर लास्ट में हमें जो है यहाँ पे सिस्टम अपडेटर भी यहीं पे देखने को मिल जाता है, तो ये जो है देखने को मिलने वाला है। और आपका लास्ट जो कि डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट, ये फिलहाल आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कितना यूज़ किया, तो यहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ मिल जाएगी। बाकी ये डिजिटल वेलबिंग हमें यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको जो है हार्डवेयर बटन लाइट का ये बग देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो हार्डवेयर बटन लाइट का बग है। और एंटूडो स्कोर 89,994 हमें देखने को मिला है, जबकि पिछले अपडेट में जो है हमें 93,000 था। हालांकि इस बार मैं दो बार टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम में 91,000 आया था, सेकंड में 89 और पिछला 93 था, तो सिमिलर है आसपास, या ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको एंटूडो स्कोर में भी नहीं मिलता पिछले और इसमें। अब बात करें इंस्टॉलेशन की, तो सिंपली रोम कर लेना है, फ्लेम जीएफ कर लेना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसके बाद आपको चलना अपनी रिकवरी के अंदर, रिकवरी जो भी यूज़ करो हमेशा लेटेस्ट यूज़ किया करो। उसके बाद रिकवरी पे आने के बाद आपको सिंपली वाइप के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर पाँचों को सिंपली सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, और स्वाइप टू वाइप कर देना, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरीके कर देना। उसके बाद आपको सबसे पहले रोम फ्लश करना है, वाइप करने के बाद रोम फ्लश हो जाता है सिंपली वाइप कैच करना है, उसके बाद आपको बैक करना है और अपने फिल्म जी एप को जो है यहाँ पे फ्लश कर देना है, तो इसको भी सिंपली स्वाइप टू इंस्टॉल करना है, और इसके फ्लश होने के बाद वाइप कैच करके सिंपली रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके रिबूट कर लेना है बस। और यहाँ पर आपका जो है बूट एनिमेशन कैसा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बूट एनिमेशन पहले वाला ही है जैसा पहले था, उसी तरीके से बूट एनिमेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे हम गेम के अंदर, तो हालांकि गेम के अंदर ग्राफिक आपका सेम रहने वाला है, स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक, तो आपको दिखाता हूँ एक बार, तो स्मूथ पे हाई है और बैलेंस पे मीडियम तक जैसे कि अनलॉक मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस जैसे कि पिछले अपडेट में बताया था कि ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है गेमिंग को लेकर के, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से अभी परफॉर्मेंस है। एंटूडो स्कोर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, 1-2000 का फर्क है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो है आपका परफॉर्मेंस पहले जैसा है, मतलब कि अभी भी गेमिंग आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती, गेमिंग में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। लेकिन जैसा कि अभी अगर आप चाहते हो तो पिछले अपडेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पिछले अपडेट में मेरे हिसाब से रहो, उसमें जो है आपको थोड़े से ज़्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव की गई है जो कि अभी फिलहाल आगे के अपडेट्स में ऐड किया जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि 1.5 जब इसका आएगा, अभी फिलहाल ये 1.4 है, 1.5 आएगा, तो उसमें जो है काफ़ी सारे फीचर्स जो है ऐड किए जाएंगे। फिलहाल अगर आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल आपको परफॉर्मेंस जो उतनी अच्छी नहीं मिलती, मेन परफॉर्मेंस की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कभी गेमिंग पे। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।